नमस्कार, मास्टर शेफ रूपाली में आपका स्वागत है। अभी क्रिसमस आ रहा है तो क्रिसमस में बहुत सारी स्वीट डिशेस बनती है, तो इसीलिए हम आज एक ट्राई करेंगे स्वीट डिश मावा मालपुआ। तो कैसे हम इसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। तो मावा मालपुआ बनाने के लिए मैंने एक कटोरी मावा लिया है। इसे पहले हम मिक्सी जार में डाल देते हैं। इसी के साथ मैंने एक कटोरी मैदा लिया है, तो इसे भी हम इसमें डाल देते हैं। अब एक डेढ़ कटोरी मैंने दूध लिया है, हल्का गुनगुना है, तो इसे पूरा नहीं डालना है, इसे थोड़ा थोड़ा डाल के पहले मिक्सी में इसे चला लेते हैं। देखिए इस तरह से ये बन गया। आप मिक्सी में बनाएंगे तो इसमें कोई भी गुठलियां नहीं रहेगी। तो इसे डेढ़ कप मुझे दूध लगा, इसे सब हम निकाल लेते हैं और इसे कम से कम हमें 20 से 25 मिनट तक ऐसे ही ढक के छोड़ देना है। अब इसकी हम चाशनी तैयार करते हैं। तो ये डेढ़ कटोरी मैंने चीनी ली है, तो कम से कम इसमें हमें एक कटोरी पानी डाल देना है। इसकी जो चाशनी रहती है बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं रहती, पतली ही रहती है, एक तरी ही हमें रखनी है। तो चीनी पहले इसमें घुलने देते हैं और एक दो मिनट बाद फिर गैस हम बंद कर देंगे। इसी के साथ हम थोड़े से इसमें केसर डाल देते हैं, तो इससे कलर भी बढ़िया आता है और स्वाद भी आ जाता है। तो केसर थोड़ा डाल के अब इसमें उबाल आने देते हैं, चीनी घुल जाने चाहिए इसमें अच्छे से। देखिए चीनी पूरी तरह से घुल गई है, अब दो मिनट तक हम इसे रखेंगे। अब गैस को हम बंद कर देते हैं क्योंकि इतना पतला ही हमें चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए। एक ड्रॉप ऐसे आप हाथ पे लेके देख लीजिए कि कैसे चिपचिपा है। तो गैस को हम बंद कर देते हैं। अब मावा मालपुआ तलते टाइम आप एक बात का ध्यान रखिए कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, हल्का वो गर्म हो जाए तभी आप इसे उसमें छोड़ दीजिए। तो आज भी आप ना धीमी और मीडियम ही रखिए, बहुत हाई मत रखिए। थोड़ा सा ऐसे इसमें ले लीजिए और फिर धीरे से इसे तेल में डाल दीजिए। देखिए अपने आप ही कैसे अलग हो गए। ये ज़्यादातर घी में ही तलते हैं, अगर आपको पसंद ना हो तो आप तेल में भी इसे फ्राई कर सकते हैं। तो अब धीरे से आप इसे पलटा दीजिए और इस तरफ से भी सेक लीजिए। देखिए अब निकालते टाइम आप ऐसे कीजिए, एक चम्मच से इसे ऐसे ले लीजिए छलनी पे और इसका पूरा ऑयल ऐसे दबा के निकाल दीजिए। अब जो मालपुआ है तुरंत आप इस चाशनी में डुबो दीजिए और इसे 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही डूबने दीजिए। अब 2 मिनट बाद इसे मैं निकाल लेती हूँ चाशनी से, ऐसा रख दीजिए। इसी तरह मैं बाकी भी कर लेती हूँ। अब थोड़ा सा इसमें हम पिस्ता डाल देते हैं और ये तैयार है। देखिए बनके तैयार है ये मावा मालपुआ, बहुत ही बनाने में आसान और खाने में उतना ही स्वादिष्ट, सभी को ये पसंद आएगा। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसे बनाइए, खाइए। और हाँ, अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।